हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? गुड. ओके, तो अभी तक हमने ऋग्वैदिक काल के बारे में सारी जानकारी ले ली है, उसका राजनीतिक, सामाजिक एंड जो आर्थिक जीवन था उसके बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया है. सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सब कुछ डिस्कस हो चुका है. एंड तो आज इस वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे. जो जो भी सामाजिक, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट हैं वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे. ठीक है, क्या क्या चेंजेस आए थे. एंड ये जो मेरे वीडियोस हैं, आपको प्रीलिम्स और मेंस जो कुछ भी जिन्होंने भी ऑप्शनल ले रखा है हिस्ट्री का, तो उन सब के लिए बहुत यूजफुल हैं ये सारे वीडियोस. सारा कंटेंट है, पूरा का पूरा मटेरियल लिया है, आपको सब कुछ मिल जाएगा. आपको क्वेश्चंस आते हैं जैसे मेंस में, अगर ऋग्वैदिक काल में क्या क्या उसके धार्मिक जीवन के क्या पॉइंट है, आपको उसमें कुछ लिखना हो, 5 मार्क का, 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, आप आराम से लिख सकते हो. उत्तर वैदिक काल में जो स्त्रियों के दशा में जो चेंजेस आए थे वो क्या थे, वो सब आप लिख सकते हो. मतलब एक तरीके से आपको पूरा नॉलेज दिया गया है इसमें, इन वीडियोज में. आप बिल्कुल, आप, मैं तो बोलूंगा जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो प्लीज मेरे वीडियोस को अच्छे से फॉलो करिए. मतलब इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने बनाया हुआ है, मैंने बहुत अच्छे से कंटेंट लिखा हुआ है, आपको एक्सप्लेन भी अच्छे से किया हुआ है. आप अपने नोट्स बनाते चलिए. और अगर आप आपको आपको लगता है कि आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगे सारे के सारे. यूपीपीएससी स्टडी सर्किल जो मेरा फेसबुक ग्रुप है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए. मैं जैसे वीडियो बनाता हूँ इमीडिएटली उसके पीडीएफ कन्वर्ट करके वो ग्रुप पे अपलोड कर देता हूँ. ठीक है, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिए. एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अब तक नहीं किया हुआ है. ठीक है, और मेरे वीडियोस को शेयर करिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स पे और जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं. अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि हाँ यूजफुल कंटेंट मिल रहा है इस ग्रुप पे, तो प्लीज इतना जरूर करिएगा मेरे लिए. ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. ये उत्तर वैदिक काल के बारे में सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी. ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट इट. हाँ जी, तो उत्तर वैदिक काल में जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि जो इसका टाइम पीरियड था, वो उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड 1000 BC से 600 BC तक माना गया है. ठीक है, जो तीन वेद थे हमारे, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद, ब्राह्मिन्स एंड अर्ली उपनिषद, जो ये सारे लेटर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में इनको लिखा गया था. ऋग्वैदिक काल में सिर्फ हमारा ऋग्वेद का कंपोजिशन हुआ था. ठीक है, तो इसमें थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आ रही है. ओके, देन और क्या उत्तर वैदिक काल में हुआ था? आपके जो आर्यंस थे, ठीक है, वो गंगा यमुना दोआब में प्रवेश कर गए थे पंजाब से. ऋग्वेद में आपको बताया था ना, उनका जो गंगा नदी थी वो उनकी उत्तरी, सॉरी, उनकी पूर्वी सीमा हुआ करती थी, है ना. और जो पंजाब प्रांत था, ये पाकिस्तान का जो एरिया, यहाँ पे वो लोग आर्यंस रहा करते थे. ठीक है, ऋग्वैदिक काल में. तो उत्तर वैदिक काल में ये लोग इस अपनी पूर्वी गंगा की जो बाउंड्री थी उसको क्रॉस करके पूर्व की तरफ शिफ्ट हुए. ठीक है, तो इसमें देखिए मैंने जो नोट्स हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हैं, तो आप लोग आराम से उसको पढ़ सकते हैं. जो शतपथ ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है, शतपथ, शतपथ ब्राह्मण ये एक बुक है, तो उसमें विदेद माधव की कथा से आर्यों के पूर्व दिशा में सदा नीरा नदी तक के प्रसार की जानकारी मिलती है. ठीक है, सदा नीरा नदी जो है, आज की जो गंडक नदी है उसको ही सदा नीरा नदी कहा जाता था. ठीक है, तो ये जो उत्तर वैदिक काल था इसमें जो पूर्वी सीमा थी अब क्या हो गई, सदा नीरा नदी. पहले जो ऋग वैदिक काल में जो पूर्वी सीमा थी वो थी गंगा, और उत्तर वैदिक काल में जो पूर्वी सीमा हो गई वो हो गई सदा नीरा नदी, गंडक नदी, आज के समय जो गंडक नदी है. ठीक है, और ऋग्वेद में सरस्वती और द्विस्वती, ये जो थोड़ा लिखने में हिंदी में प्रॉब्लम है वो द्विस्वती है. तो ऋग्वेद में सरस्वती और द्विस्वती नदी के बीच का क्षेत्र है ये वाला जो आता है, इसको पवित्र माना गया है ना. लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो आर्य की जो सीमा थी, आर्य ब्रह्मवर्त की जो सीमा थी, वो ऊपरी गंगा यमुना, जो गंगा यमुना का दोआब है, ठीक है, वो वहां तक पूरा प्रवेश कर चुके थे. और तो जो अब जो एरिया था, जो नया एरिया था ना आर्यंस का, है ना, जो पहले जहां पे रहते थे वहां से लेके जो गंगा दोआब को क्रॉस करके जो गंडक नदी तक था उसको कहा गया था ब्रह्मर्षि देश. ओके, उसका इन्होंने नाम रखा ब्रह्मर्षि देश. पहले ये ब्रह्मवर्त था, जो ऋग्वेदिक काल में जो टाइम, वो जो इनका जो क्षेत्र था वो था ब्रह्मवर्त, और अब क्या हो गया था, ब्रह्मर्षि देश, जब ये उत्तर वैदिक काल में आए. इसके बाद अब इनका पूरा जो ब्रह्मर्षि देश था वो कहां से कहां था, उसकी सीमा हुआ करती थी हिमालय से लेकर, हिमालय जो था पूरा वहां से लेके विंध्य पर्वत तक,
ये जो पूरा इनका एरिया था यहाँ पर आर्यंस रहा करते थे, और इस पूरे देश को कहा जाता था मध्य देश। इसका नाम जो था क्षेत्र वो था मध्य देश। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में मध्य देश ही आर्य संस्कृति का केंद्र था। इस काल में विंध्य पर्वत को दक्षिणी सीमा और सदानीरा नदी को पूर्वी सीमा माना जा सकता है। ठीक है, साउथ की सीमा कौन सी? विंध्य पर्वत, ईस्टर्न बाउंड्री सदानीरा, वेस्टर्न बाउंड्री हिमालय, है ना? ठीक है, तो सदानीरा के पूर्व में दो राज्य स्थित थे, अंग और मगध। ठीक है, ये दोनों भी अब तक आर्य संस्कृति में नहीं आए थे। ठीक, ये आर्य संस्कृति से बाहर थे, और अथर्ववेद में इसे सुदूरवर्ती क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, ऑब्वियसली जो सदानीरा नदी थी उसके पूर्व में ये दोनों अंग और मगध हुआ करते थे, तो ये आर्यंस का एरिया था, तो इस क्षेत्र को क्या कहते थे? सुदूरवर्ती क्षेत्र, है ना? ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में सदानीरा नदी के अलावा रेवा नदी का भी उल्लेख मिलता है। रेवा मतलब नर्मदा नदी, आज के टाइम में रेवा नदी का नाम है नर्मदा नदी। बाद में जब आर्यों ने अंग और मगध पर भी अधिकार कर लिया तो इसका नाम रखा गया आर्यावर्त। ठीक, तो नामकरण कैसे हुआ है इस क्षेत्र का? पहले ब्रह्मवर्त था ऋग्वेदिक पीरियड में, फिर ये शिफ्ट होके आए, ये गंगा दोआब को क्रॉस किया तो ये हो गया ब्रह्मर्षि देश। इसके बाद ये साउथ में भी शिफ्ट हुए विंध्य पर्वत तक, तब इसका नाम पड़ गया मध्य देश। इसके बाद फाइनली जब इन्होंने पूरा अंग और मगध पूरे पे कब्जा कर लिया तब इसका नाम हो गया आर्यावर्त। ठीक है, ओके, तो चलो अब ये हम इसके राजनीतिक जीवन पॉलिटिकल लाइफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं उत्तर वैदिक पीरियड की। अब क्या था? सभा और समिति, ये तो वैसे ही थे, सभा और समिति दो संस्थाएं थी ना ऋग्वैदिक काल में, आपको बताया था, तो अभी भी वैसे ही ये काम कर रही थी। पर अब क्या हो गया था? स्त्रियों का इसमें जाना मना हो गया था, समिति में नहीं जा सकती थी स्त्रियां। ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों के पास शक्ति थी, इतनी पावर थी कि ये सभा और समिति में जाके डिसीजन ले सकती थी, निर्णयों में भाग ले सकती थी, पर अब इस पर रोक लगा दी गई थी। अब ये जो क्षेत्र था, जो ये सीट्स थी जो वैकेंट हो गई थी, अब ये ब्राह्मिन्स और जो नोबल हुआ करते थे उन्होंने इसको ऑक्यूपाई कर लिया था। ठीक, तो ये एक चेंजेस आ गया था। इसके बाद अब किंग, जो राजा हुआ करता था राजन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका था ऋग्वैदिक काल के कंपैरिजन में। ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति का ही ज्यादातर अधिकार पावर रहती थी, कोई भी डिसीजन लेना था राजा, काम क्या का होता था? रक्षा करना। पर अब ऐसा नहीं था, राजा की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ चुकी थी और जो टेरिटोरियल अथॉरिटी थी ना ये इंपॉर्टेंट हो चुकी थी। पहले के टाइम में ऋग्वैदिक काल में ये जो जमीन जायदाद, जमीन के लिए इतना कुछ नहीं होता था, युद्ध हुआ करते थे गाय के लिए, है ना? पर उत्तर वैदिक काल में ना ये लैंड और ये टेरिटरी ना, इस पे इनका अधिकार जमाना, ये इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी। अब इसके लिए लड़ाई होना शुरू हो चुका था, जगह जमीन के लिए, क्षेत्र के लिए, है ना? और जो है जो राष्ट्र टर्म है ना, राष्ट्र, ये उत्तर वैदिक काल में ही मिलता है। ठीक है, राष्ट्र देश। ठीक है, और इसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया था ऋग वैदिक काल में टैक्सेशन नहीं होता था, मतलब जनता जो थी वो उसको कर नहीं देना पड़ता था राजा को, अपनी सुरक्षा से वो कुछ उपहार दे सकते हैं राजा को, जिसको बलि कहा जाता था, है ना? ये बताया मैंने आपको पिछले वीडियो में, उसको बलि कहा जाता था, जो कुछ भी आप गिफ्ट देते हो राजा को अपनी सुरक्षा से। पर अब ऐसा नहीं था, टैक्स लगाए जाने लगे थे, है ना, जनता पर, और जो टैक्स का अधिकारी हुआ करता था उसको भावदूत बोलते थे। ठीक है, भावदूत, और जो जो कोष हुआ करता था पूरा, जो रिजर्व होता था पैसे का, इसको इसका जो संरक्षक हुआ करता था तो उसका नाम था संग्रहीता, संग्रहीता। ठीक है, ये आपको आगे बताया मैंने, हिंदी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, जो छोटे छोटे जन हुआ करते थे कबीले, है ना, जो छोटे छोटे जन हुआ करते थे ऋग वैदिक पीरियड में, अब वो राज्य बन चुके थे, जनपद, है ना? जैसे पुरु और भरत ये कबीला हुआ करता था, अब ये कुरु जनपद हो गया था। जैसे तुर्वश और क्रीवी कबीला हुआ करता था, ये पांचाल जनपद हो चुका था, और उस टाइम में पांचाल जनपद जो था वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुआ करता था, है ना? और ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की दैवीय शक्ति का विवरण, अच्छा ये जो ब्राह्मण है ना, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, ये सबके बारे में आपको मैं लिटरेचर जब पढ़ाऊंगा उसमें आपको पूरा बताऊंगा। जो चार वेद हुआ करते थे, ऋग्वेदिक, सामवेद, अथर्ववेद, इन सबके ब्राह्मण हैं। अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण है ना, ऐसे ये शतपथ
जेमिनी या ऐतरेय, सब ये सब चीजें हैं, आपको जो उसका लिटरेचर पढ़ाऊंगा उसमें डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो ऐतरेय ब्राह्मण जो है उसमें राजा की दैवी, अभी आप इतना समझ लीजिए बुक है, उसमें राजा की दैवीय उत्पत्ति का विवरण मिलता है, ठीक है। कहा गया कि ये दैवी भगवान से इनका संबंध स्थापित किया गया है, तो इनकी महिमा को एकदम मंडित करने के लिए ये सब चीजें इसमें लिखी गई थी, ठीक है। तो इसमें जो ऐतरेय ब्राह्मण है इसमें 5 प्रकार के राज्यों और उनके राजाओं का उल्लेख मिलता है, ठीक है। ये जो एक एक लाइन के जो सारे मैंने लिखे हैं ये UPSC के प्रीलिम्स में पूछे जाते रहे हैं, अभी भी पूछे जाएंगे, आप मेंस में भी जब आप आंसर लिखोगे इनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में तो ये सारे पॉइंट आप लिखेंगे, ठीक है। अथर्ववेद में राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है, अथर्ववेद में, ठीक है। ऐसा अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है राजा परीक्षित का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो आंसर इस अथर्ववेद में मिलता है, इनको अथर्ववेद में मृत्यु लोक का देवता बताया गया है, ठीक है। देन शतपथ ब्राह्मण में पता चलता है कि राजा का राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था, ठीक है। तो अब जो राजसूय यज्ञ कराया जाता था वो क्या होता था, राजा के राज्याभिषेक के लिए होता था, ठीक है। इसका रत्नी, जो रत्नी टर्म है ये क्या होता था, राजा के जो उच्च पदाधिकारी हुआ करते थे उनको रत्नी बोला जाता था, और ये 12 रत्नी हुआ करते थे, एक राजा के दरबार में 12 रत्नी हुआ करते थे, है ना। तो राजसूय यज्ञ जब होता था उस समय राजा रत्नी के घर जाके सम्मान प्रकट करता था, उनका आदर प्रकट करता था, उनका सम्मान करता था उनके घर जाके, ठीक है। इसके बाद जो विश्वमत्ता, ये राजा का दूसरा नाम हुआ करता था विश्वमत्ता, ठीक है। ये पॉइंट 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 है सारे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अब देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि जो टैक्सेशन लागू कर दिया गया था तो वो टैक्स लगता किस पे था, वो टैक्स सिर्फ वैश्य वर्ग पे लगा करता था, क्योंकि ये लोग उत्पादन का काम करते थे उस समय। जो ये जो जो वर्ग हुआ करते थे, वर्ण व्यवस्था थी ना, वो ऐसी थी अपना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, है ना। तो वैश्य जो थे वो उत्पादन के लिए ये वर्ग हुआ करता था, बिजनेस करना, चीजों का उत्पादन करना, तो उन पे ही टैक्स लगा करता था, यही लोग राजा को कर दिया करते थे, है ना। ब्राह्मण क्षत्रिय करों से मुक्त थे, ओके। जो अनिवार्य कर थे वो भाग शुल्क, ये अनिवार्य कर थे, भाग शुल्क और बलि। बलि जो था वो ऋग्वेदिक काल में स्वैच्छिक उपहार हुआ करता था, ठीक। तो आपको बता चुका हूं कर वसूलने वाले अधिकारी को भागधुक बोलते थे, और कोष की जो देखभाल करता था उसको संग्रहिता कहा जाता था, ठीक है। ठीक है, अब इसकी सोशियो इकोनॉमिक लाइफ, जो सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अब जो जीवन था इनका, ये क्या करते थे, मेनली कृषि और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, जानवरों को पालना और कृषि करना, ये इनका सामाजिक जीवन था। मेनली आर्थिक जीवन भी इनका यही था, यहीं से इनको धन की प्राप्ति होती थी, है ना। और ये आपका जानवरों का जो पालतू बनाना वो काफी बढ़ चुका था, कल्टीवेशन बढ़ गया था, कृषि बढ़ गई थी पहले की तुलना में, ये तो सामाजिक जीवन था, है ना। और जो जमीन पे अधिकार, जमीन पर प्राइवेट अधिकार, ये सब स्टार्ट हो गया था, आपको बताया मैंने पीछे, है ना। इसके बाद वहां पे 4 तरीके की पॉटरी पाई गई थी, ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर, रेड वेयर, ओके। देन गोल्ड पीस ऑफ स्पेसिफिक वेट, सतमाना, ठीक। तो जो गोल्ड की करेंसी हुआ करती थी उसका प्रयोग बढ़ गया था, गोल्ड पीस ऑफ स्पेसिफिक वेट, सतमाना, सतमान ये बोला जाता था, ये जो स्वर्ण मुद्रा हुआ करती थी इसको एज ए करेंसी यूज किया जाता था। इसके बाद यूज ऑफ गोल्ड एज करेंसी इज मेंशन इन शतपथ ब्राह्मण, तो जो इसके साक्ष्य मिलते हैं ना, ये शतपथ ब्राह्मण में स्वर्ण मुद्रा के प्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा जो मेटेलिक कॉइन्स हुआ करते थे लोहे के या कॉपर के, उनको सुवर्ण और कृष्णाला कहा जाता था, ठीक है। इन सब के बावजूद जो बार्टर सिस्टम था, लेन देन की जो वस्तुओं का जो लेन देन होता था, वो भी एग्जिस्टेंस में था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि अब सिर्फ मुद्रा का प्रयोग होता था जैसे आज होता है, ऐसा नहीं था, बार्टर सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा था। थोड़ा बहुत ये स्वर्ण मुद्रा भी प्रचलन में आ गई थी उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। तो जो सोसाइटी थी वो 4 वर्णों में विभाजित थी, बता दिया है मैंने आपको, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र, ठीक है। तो इन चारों को अपनी अपनी एक ड्यूटी दी गई थी, इन सभी वर्गों का अपना एक निश्चित काम हुआ करता था।
तो जो वैश्य वर्ग था वो लोग थे मेनली वैश्य वर्ग जो चीजों के उत्पादन एग्रीकल्चर कमोडिटीज उनका कृषि का उत्पादन करने के लिए जिनकी जिम्मेदारी हुआ करती थी। ठीक है, तो वैश्य वर्ग था वही कृषि करता था, जानवरों को चराता था और सारा उत्पादन करता था, और जो लोग ये बिजनेस करते थे उनको कहा जाता था वाणिक। ठीक है, उनको वाणिक कहा जाता था। ठीक, इसमें जो वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी वो वंशानुगत नहीं थी। जब छात्र गुरुकुल से वापस आते थे वहां से उनकी वर्ण व्यवस्था निश्चित की जाती थी, ये किस वर्ण के रहेंगे, है ना। और शूद्र जो हुआ करते थे उनका उपनयन संस्कार बंद करके उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया गया था, है ना। और यहीं से शूद्रों का पतन जो था वो स्टार्ट हो गया था, शूद्रों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया था, है ना, और इनको तीन वर्णों का सेवक बताया गया था। ओके, देन वैश्य वर्ग था वही उत्पादक वर्ग था और यही वर्ग कर देता था, आपको बताया ना मेरे पीछे। तो जो वैश्य वर्ग था यही कर देता था, इसलिए इन्हें अन्यस्त बलिकृत भी कहा जाता था। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अन्यस्त बलिकृत किसे कहा जाता था, किस वर्ग को, तो वो था वैश्य वर्ग। ठीक है, देन ब्राह्मण वर्ग जटिल कर्म कांडों का सृजन किया इन्होंने ताकि जनसाधारण के मन मस्तिष्क पर अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता की छाप बनाए रखे कि ये बहुत इंटेलिजेंट है ना। तो ब्राह्मणों की इस प्रकार शक्ति काफी बढ़ गई थी, बहुत सारे इन्होंने जो यज्ञ वगैरह कर्म कांडों को स्थापित किया, है ना। अब उस टाइम सोचो ना, लोगों में प्रकृति का डर हुआ करता था, कभी वर्षा हो रही है, कभी बाढ़ आ रही है, कभी सूखा पड़ रहा है, तो इन्होंने इस तरीके से बनाया, पूरा सिस्टम बनाया कि हम ही हैं जो आपको बचा सकते हैं, हम ही हैं जो बारिश करा सकते हैं, हम ही हैं जो बाढ़ को रोक सकते हैं, है ना, अग्नि को कंट्रोल कर सकते हैं अपने मंत्रों से। इस तरीके से जब होगा तो इनकी पावर ऑब्वियसली बढ़ जाएगी सोसाइटी में, तो समाज में ब्राह्मण वर्ग की शक्ति काफी बढ़ गई थी, है ना। लेकिन शतपथ ब्राह्मण में क्षत्रियों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में क्षत्रियों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया गया है। तो इस तरीके से जो समाज में उस वक्त क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य वर्ग इन्हीं का उपनयन संस्कार होता, उपनयन संस्कार का सीधा तात्पर्य शिक्षा से है, मतलब जब उपनयन संस्कार होता था तब आप गुरुकुल जा सकते थे पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो ये सिर्फ तीन वर्ग का होता था, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य का, शूद्र को इससे अलग रखा गया है। मैंने ऊपर बताया ना आपको, उपनयन संस्कार शूद्रों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया था, उनको शिक्षा से वंचित कर दिया गया था, इसलिए चूंकि उपनयन संस्कार होता था इन तीन वर्गों का, इसलिए इनको द्विज कहा जाता था। ठीक है, द्विज ये याद रखिएगा। ठीक है, शूद्र को द्विज नहीं कहा जाता था, बाकी तीनों को द्विज कहा जाता था। ठीक है, द्विज का एक्चुअली मतलब होता है जिसका दो बार जन्म होता है, द्विज। तो एक बार जब आप माँ के गर्भ से पैदा होते हो और दूसरा जब आपका उपनयन संस्कार हो जाता है तो उसको भी आपका पुनः एक जन्म बोला गया है, तो ये द्विज है। ठीक है, ओके। अब कंडीशन ऑफ वुमेन, स्त्रियों की दशा के बारे में बात करते हैं। इस समय में क्या हुआ था, तो इस काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई थी। ठीक है, जो इसके साक्ष्य मिलते हैं जैसे मैत्रायणी संहिता, मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों को तीन बुराइयों में रखा गया है। ठीक, पहली बुराई सुरा जो शराब पीते थे, दूसरी बुराई पासा मतलब जुआ खेलते थे, और तीसरी स्त्री। तो तीन बुराइयां लिखी गई हैं मैत्रायणी मैत्रायणी संहिता में, आप समझ सकते हो ना, ये सब चीजें इसी काल में लिखी गई हैं। तो इस काल में इनकी दशा खराब हो गई थी, इनका गिरावट आया था, तो वो ये सब चीजें वैसे ही साहित्य में आता है, उसी काल को पूरा प्रदर्शित करता है उसका साहित्य। देन ऐतरेय ब्राह्मण, इसमें पुत्री को ही समस्त दुखों का कारण कहा गया है, देख लो। ठीक है, पुत्री को समस्त दुखों का कारण ही बोल दिया है, मतलब ऐतरेय ब्राह्मण में, है ना। स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया, मतलब स्त्रियों को भी अब शिक्षा से वंचित कर दिया गया, शूद्रों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया और स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया। ये सब चीजों को, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हो सकता है एकदम कंफ्यूज हो रहा हो, आप आराम से सुनिए, धीरे धीरे सुनिए, समझिए, ये स्टोरी है और आपको डेफिनेटली इसको मजा ही आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। ये पहली बार आप पढ़ रहे होगे तो आप सबको समझ में आ रहा होगा, पर चीजें याद नहीं हो रही होंगी, पर जब आप अपने नोट्स बना के दो चार बार देख लोगे ना तो सब याद आ जाएगा, कोई इतना कठिन नहीं है। ये पहली बार पढ़ने में कठिन लगता है, तो मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे भी लग रहा था यार ये तो बहुत कठिन है, कैसे याद होगा, और स्किप करने का सोच रहा था, छोड़ो यार स्किप कर दो स्किप कर दो। ठीक है, आईएएस एग्जाम में तो फिर भी चलो आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम में
और जो दूसरे स्टेट लेवल के पीसी एग्जाम है, आप बिहार बीपीएससी है, उनमें आप इन सब चीजों को स्किप नहीं कर सकते हो। और खासकर मेंस के लिए तो पीएसएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन तो आता ही आता है यहाँ से, ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद जो वृहदारण्यक उपनिषद है, ये थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है। वृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी याज्ञवल्क का एक संवाद मिलता है, ठीक है। गार्गी एक विदुषी महिला थी, याज्ञवल्क ऋषि थे, इनका एक संवाद मिलता है जिसमें ये ऋषि महोदय बोलते हैं, अधिक बहस ना करो वरना गदा से तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा, है ना। ये सब चीजें प्रदर्शित करती हैं कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आया था। तो आप जैसे अगर मेंस में आप लिख रहे हो, तो आप ये सब सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो अपने कथन को प्रूव करने के लिए कि कैसे गिरावट आया था, है ना। पर स्त्रियों की दशा उतनी भी खराब नहीं थी जितनी सूत्रकाल में थी। सूत्रकाल 6 से 3 शताब्दी पूर्व के जो काल है उसको सूत्रकाल कहा गया है, उसमें और भी दशा खराब हो जाती है, उतनी दशा खराब नहीं थी। देन शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है, एक अच्छा पॉइंट है। देन उपनयन संस्कार में स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया था, सभा समिति में जाने पर रोक लगा दी गई थी, ये बता दिया आपको। बाल विवाह शुरू हो गया था, है ना, और संपत्ति पे अधिकार तो उनको पहले से ही नहीं था, ठीक है। और नियोग प्रथा अभी भी प्रचलित थी। नियोग प्रथा आपको मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में, ऋग्वैदिक काल में इसमें क्या होता था, जैसे अगर पति की मृत्यु हो जाती थी तो संतान प्राप्ति करने के लिए जो पति उसका जो पति का भाई होता था देवर, उससे विवाह कर दिया जाता था महिला का, और जैसे ही उनको पुत्र की प्राप्ति हो जाती थी इसके बाद वो अलग हो जाते थे। तो ये जो थी वो नियोग प्रथा हुआ करती थी, इसका अभी भी प्रचलन था। देन सती प्रथा और पर्दा प्रथा, इनका जन्म इस काल में नहीं हुआ था। सती प्रथा और पर्दा प्रथा, इनका जन्म मध्य काल में हुआ था। ये जो बुराइयां हैं ये दोनों ये मध्य काल की देन है, ठीक है। और जो विदुषी महिलाएं थी वो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है, ऋग वैदिक काल में जो विदुषी महिलाएं थी चार, वो कौन थी, घोसा, सिक्ता, अपाला और विश्वपाला। और उत्तर वैदिक काल में जो विदुषी महिलाएं थी वो थी गार्गी मैत्रीय, ठीक है, गार्गी और मैत्रीय। इनका जो मैत्रेयी, इनका जो संबंध था वो उत्तर वैदिक काल से था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देन जो टाइप ऑफ मैरिजेस हैं, विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं लेटर वैदिक एज में, ये जल्दी से देख लेते हैं। जो ब्राह्मण विवाह था ये बहुत ही श्रेष्ठ माना गया था। इसमें क्या होता था, इसमें ये वही है अरेंज मैरिज है कि एक पुत्र बेटी की शादी होती थी एकदम वेदों के हिसाब से, रिचुअल्स के हिसाब से, है ना, ये सबसे उत्तम था। इसके बाद दैव विवाह था, दैव विवाह, इसमें जो है पिता अपनी पुत्री को, पुजारी को, उससे उसका विवाह करा देता था, जो कि बहुत ही अच्छा होता था ये यज्ञ कर्म कांड वगैरह में। तो उस व्यक्ति से, उस पुजारी से एक पिता अपनी पुत्री का विवाह कराता था, इसे दैव विवाह बोलते हैं, ठीक है। इसके प्रजापति विवाह हुआ करता था, इसमें जो है बिना किसी दान दक्षिणा के ये विवाह होता था, प्रजापति विवाह विदाउट एनी डाउरी। गंधर्वी विवाह था, इसमें जो है लव मैरिज थी, इसमें माता पिता को बिना बताए हुए जो लड़का और लड़की थे वे अपना विवाह कर लेते थे। तो ये था गंधर्वी विवाह, इस स्वयंवर टाइप था। इसके बाद अर्श विवाह था, एक अर्श विवाह, इसमें क्या था, इसमें वर से एक जोड़ी गाय और बैल लेके अपनी कन्या का विवाह कर दिया जाता था, ये अर्श विवाह है। इसके बाद आता है असुर विवाह, ठीक है, इसमें क्या होता था, इसमें कन्या को खरीदा जाता था, ये असुर विवाह होता था। देन राक्षस विवाह, इसमें कन्या का अपहरण करके उससे विवाह किया जाता था। तो ये था राक्षस विवाह। और पिशाच विवाह, ये सबसे बुरा था, सबसे निकृष्ट, इसमें जो है कोई ड्रिंक पिला के, कुछ बेहोश करके, है ना, उनके साथ बुरे का काम करके उनका उनसे विवाह किया जाता था। तो ये जो सारी चीजें हैं ये 8 टाइप के विवाह बताए गए हैं, है ना, तो ये आप देख लीजिए क्या होता था, कैसे होता था। इसके बाद ये जो दो और हैं, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। जो अनुलोम विवाह हुआ था उस टाइम में, उसमें क्या होता था, एक जो हाई वर्ण, उच्च वर्ण का व्यक्ति लड़का होता था, उसकी शादी एक लोअर वर्ण के लड़की से होती थी, तो उसे अनुलोम विवाह बोलते थे, ठीक है, अनुलोम विवाह। उच्च वर्ग का लड़का और निम्न वर्ग की लड़की, ये जो है
जो ग्रंथों में इसकी अनुमति दी गई थी, ऐसा हो सकता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ये इसकी परमिशन दी गई थी, ठीक है। लेकिन जो उच्च वर्ग की लड़की होती थी उसका निम्न वर्ग के लड़के से विवाह नहीं हो सकता था इसे, और अगर ऐसा होता था उसे प्रतिलोम विवाह बोला जाता था, और ये अलाउड नहीं था। मतलब अनुलोम मतलब क्या होता है हिंदी में, उसको ऊपर चढ़ना है ना। तो जो इसमें क्या होता था कि लाइक लोअर वर्ग की कन्या है वो हाई वर्ग के लड़के से शादी करती थी, तो वो एक अनुलोम हो गया। पर प्रतिलोम जो था उसको, उसका मतलब था नीचे जाना, तो वो अलाउड नहीं था, ठीक है। तो ये होता था अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। इसके बाद आश्रम व्यवस्था हुआ थी, हुआ करती थी, आश्रम सिस्टम, वो देख लीजिए। इसमें क्या था कि जो मनुष्य था उसका जो जीवन वो चार भागों में विभाजित किया गया था। 100 साल उसकी आयु मानी गई थी, और 25 25 25 25 में चार भागों में विभाजित किया गया था। तो ब्रह्मचर्य आश्रम था जो पहला वाला, ठीक है। इसके बाद गृहस्थ आश्रम, देन वानप्रस्थ और संन्यास, ये चार आश्रम थे। इनके क्या मेन पॉइंट है वो आपको बता देता हूँ कि जो फर्स्ट 25 ईयर्स थे, पहले 25 साल, वो एक स्टूडेंट लाइफ बताई गई उसमें, ठीक है। कि जो इसमें स्टूडेंट लाइफ होगी, सारा आप ज्ञान प्राप्त करोगे अपने गुरु के यहाँ रह के, ठीक है। और ये जो आश्रम में आप जब गुरु के आश्रम में जाओगे तो वो कैसे जाओगे, उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार के कर होने के बाद आप घर त्याग करके गुरुकुल चले जाओगे, और वहां पर आप शिक्षा प्राप्त करोगे। तो जो 25 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करता था, 25 वर्ष की आयु तक, उसे नैष्ठिक कहा जाता था, नैष्ठिक, ठीक है। और जो जीवन भर शिक्षा प्राप्त करता था, मतलब ऐसे लोग होते थे जिनको गुरुकुल में, वो बोलते थे हम घर नहीं जाएंगे, हम गुरुकुल में ही रहेंगे, ठीक है, उसको उप कुवणी बोलते थे। एक्चुअली ये थोड़ा लिखने में गलत हो गया है, हिंदी में जो भाषा लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे है, इसको मैं लिखता हूँ, थोड़ा पेन ठीक से काम नहीं कर रहा है। उप कुवड़ी ये है एक्चुअली, ठीक है। उप कुवड़ी इसको बोलते थे जो जीवन भर शिक्षा प्राप्त कर, 25 साल तक वाले को नैस्टिक, और जीवन भर के लिए उप कुवड़ी, ठीक है। और जो कन्याएं हुआ करती थी 25 वर्ष तक, उसको ब्रह्मवादिनी, और जीवन भर तक साध्यो वधू, ठीक है। ये स्टार्टिंग में रहा होगा कन्याओं के लिए, क्योंकि बाद में तो कन्याओं को उपनयन संस्कार ही बंद कर दिया गया है ना। तो ये आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि मैंने बोला है कि उपनयन संस्कार नहीं होता था, स्त्रियों की शिक्षा बंद हो गई थी। तो ये होते होते लाइक 400 500 साल का टाइम है ना, स्टार्ट हुआ होगा तब, तो होता होगा उत्तर वैदिक काल 1000 BC के आसपास, फिर अंत तक आते आते ये स्टॉप कर दिया गया होगा, ठीक है। तो जो 25वें वर्ष में गुरु के आश्रम में ही समावर्तन संस्कार, ठीक है, पहले उपनयन संस्कार से आप आते थे और समावर्तन संस्कार से आप जाते थे। तो जब आपका 25 साल हो जाते थे तो गुरुकुल में ही आपका समावर्तन संस्कार किया जाता था, और आप ब्रह्मचर्य आश्रम से आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। तो आप समझ लीजिए समावर्तन संस्कार क्या होता है, पूछा जा सकता है। देन सॉरी, गृहस्थ आश्रम स्टार्ट होता था 25 से 50 वर्ष के लिए, और ये सबसे अच्छा आश्रम माना गया है, ये सभी वर्णों में प्रचलित था, मतलब चारों वर्ण इसमें के लोग इसमें रहा करते थे, ठीक है। इसमें काम क्या था, आप अपनी एक फैमिली रखिए है ना, और जो आपका सामाजिक ये जो दायित्व तो है आपका इस संसार में आने का, उसे आप पूरा करिए, ठीक है। तीन ऋण बताए गए हैं हमारे वैदिक साहित्य में, तीन ऋण थे, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। मतलब जब आप गृहस्थ आश्रम में पहुंचते हो तो आपको मौका दिया जाता है इन तीनों ऋणों से मुक्त होने का। ऋषि ऋण क्या है, उसने आपको वैदिक ग्रंथों का अध्ययन कराया है, उसका ज्ञान दिया है, तो आपके ऊपर उसे ऋण है। देव ऋण क्या है, यज्ञ करवाना है ना, आप भगवान का ऋण है आपके ऊपर, और पितृ ऋण है। तो इनसे आप कैसे मुक्ति पा सकते हो, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करते रहिए, यज्ञ करवाइए, और आप खुद एक पुत्र पैदा करिए, तो आप पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तीन ऋण हुआ करते थे, और 5 महायज्ञ आपको करवाने होते थे, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ, जिसे नृप यज्ञ भी बोला जाता था, ठीक है। तो 5 महायज्ञों का संपादन करना था आपको इसमें, और 3 ऋणों से मुक्ति पानी थी। मेन जो है गृहस्थ आश्रम का यही कॉन्सेप्ट था, ठीक है। आप अपनी फैमिली रखिए, उन सबका पालन करिए, पुत्र की प्राप्ति करिए, ग्रंथों का अध्ययन करिए, और बाकी सब यज्ञ कराइए, ये सब आपका इस आश्रम का दायित्व हुआ करता था।
इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, 50 से 75 साल की जो आयु में आप वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते थे। इसमें आपका क्या काम होता था कि आप सांसारिक मोह माया से दूर हो जाइए, ठीक है, पार्शियल रिटायरमेंट, पार्शियल रिटायरमेंट, आप पूरी तरह से आप अपनी घर से समाज से नहीं करते थे, आपका संबंध रहता था पर फिर भी आप जंगल में जाकर रहते थे और कभी कभी आना जाना क्या हो रहा है हमारे पुत्रों का या जो आपकी फैमिली है आप उससे कांटेक्ट में रहते थे 50 से 75 वर्ष तक। तो ये आपकी जो आयु, ये जो इस आयु में आप वानप्रस्थ आश्रम में रहा करते थे, ठीक है, पार्शियल रिटायरमेंट होता था। इसके बाद संन्यास आता था, संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष, ये 75 से 100 वर्ष में आप एकदम कंप्लीट रिटायरमेंट लेते थे वर्ल्ड से, आप बिल्कुल त्याग करके जंगल में चले जाते थे और वहीं पर आप ईश्वर का ध्यान लगाते हुए इस संसार का त्याग करते थे। ये होता था संन्यास आश्रम, आप बिल्कुल कर जाते थे, आपको कोई मतलब नहीं पूरी दुनिया से, पूरे संसार से, आपका कॉन्टेक्ट सिर्फ भगवान से होना चाहिए। तो जो ये संन्यास आश्रम है इसके बारे में जबल उपनिषद में पता चलता है, ठीक है, इसका मेंशन किया गया जबल उपनिषद में, वहां से आप जान सकते हो। इसके बाद चार पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है। तो ये जो चार पुरुषार्थ हैं ये सभी इन आश्रम में डिवाइडेड है। ब्रह्मचर्य आश्रम में आपको धर्म की प्राप्ति ये है इसमें, और गृहस्थ आश्रम में धर्म अर्थ काम की प्राप्ति, ठीक है, देन वानप्रस्थ आश्रम में धर्म और मोक्ष के लिए काम कर रहे हैं आपको, और संन्यास में सिर्फ मोक्ष के लिए, ठीक है। तो ये चार पुरुषार्थ हैं, किस आश्रम में किसको किससे संबंधित है ये आपको बता दिया मैंने। इसके बाद ये जो चार यज्ञ हैं जो उत्तर वैदिक काल में हैं वो देख लीजिए, राजसूय यज्ञ आपको बताया मैंने, राज्याभिषेक के लिए कराया जाता था। अश्वमेध यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ क्या होता था, ये अनक्वेश्चनेबल कंट्रोल ओवर एन एरिया, इसमें घोड़ा छोड़ दिया जाता था, वो जिस जिस एरिया में जाता था वो पूरा एरिया आपके अंदर है, जो दूसरे राज्य का राजा होता था अगर आपको ताकत है आप उस राज घोड़े को रोकिए और उस राजा से युद्ध करिए, अगर आप उस घोड़े को नहीं रोकते हैं आपके अंदर ताकत नहीं है तो वो आपका राज्य फिर उस राज्य के अंदर चला जाएगा, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण होता था और शक्ति व प्रतिष्ठा का सूचक था, ठीक है। इसके बाद वाजपेय यज्ञ हुआ करता था, वाजपेय यज्ञ होता था, इसमें क्या होती थी, चैरियट रेस हुआ करती थी, रथ दौड़ हुआ करती थी, इसमें जो जब जो रायल राजा का रथ हुआ करता था वो सबसे आगे रखा ही जाता था, ठीक है। तो इसमें ये जो वाजपेयी यज्ञ कराते थे उसमें राजा को सम्राट की उपाधि दी जाती थी, सम्राट की उपाधि, ठीक है। और इसके बाद अग्निष्टोम यज्ञ हुआ करता था, इसमें पशु बल दी जाती थी इस यज्ञ में, अग्निष्टोम यज्ञ, ठीक है। इसके बाद क्या था, ये कपड़े पहनते थे तो ये दो पीस हुआ करते थे कपड़े में, अपर क्लॉथ जो था उसको उत्तरीया बोलते थे, ठीक है, अपर जो ऊपर जो कपड़ा पहना जाता था वो उत्तरीया, और नीचे जो कपड़ा पहनते थे लोअर गारमेंट वो अंतरिया बोलते थे उसको, अंतरिया, ठीक है। और दोनों ही मेल और फीमेल आभूषण पहना करते थे, ठीक है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया तो आप आंसर दे सकते हो। इसके बाद म्यूजिक और डांस, संगीत और नृत्य, ये इंटरटेनमेंट का सोर्स हुआ करता था, रथ की दौड़ हुआ करती थी इसे लोग अपना एंटरटेनमेंट करते थे, है ना, गैम्बलिंग बहुत जुआ कॉमन था, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल में जुआ होता था कि नहीं होता था, इस तरीके से चीजें पूछी जा सकती हैं। ओनली ब्राह्मण एंड क्षत्रिय वाज प्रिविलेज्ड टू गेट एजुकेशन, ठीक है, ब्राह्मण एंड क्षत्रिय वैश्य भी थे पर मेनली जो ज्ञान प्राप्ति करते थे वो ब्राह्मण और क्षत्रिय हुआ करते थे। और जो इंपॉर्टेंट गॉड हुआ करते थे उस टाइम में, इंद्र और अग्नि जो है इनका महत्व कम हो गया था, आपको बताया ना मैंने ऋग्वेदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था, इंद्र, है ना, पर अब जो है इंद्र और अग्नि का महत्व कम हो गया था, तो इस समय जो क्या हो रहा था, विष्णु का महत्व, विष्णु भगवान थे उनका महत्व बहुत बढ़ गया था इस ऋग्वेदिक पीरियड में, ठीक है। और मूर्ति पूजा, सिंबॉलिक साइंस, ये सब थोड़ा स्टार्ट हो गया था, मूर्ति पूजा की स्टार्टिंग हो गई थी उत्तर वैदिक काल से, ठीक है। और यह तीन तरीके के मेन पुजारी हुआ करते थे, तीन तरीके के होत्री, ठीक है, अध्वर्यु और उद्गात्री, ठीक है।
ठीक है, होत्री, अधवर्यु और उद्गात्री। तो जो ऋग्वेद का पाठ करते थे, जो ऋग्वेद का पाठ करते थे उनको होत्री बोलते थे, है ना, यजुर्वेद का जो पाठ करते थे उनको अधवर्यु बोलते थे, और सामवेद का पाठ करने वाले को उद्गात्री बोलते थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीपीएससी के एग्जाम में, प्रीलिम्स में, ठीक है। तो ये है, आपको मैंने पूरा उत्तर वैदिक काल के बारे में बता दिया है। तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे कि लोगों के पास पहुंच पाए, जो कोचिंग वोचिंग नहीं कर रहे हैं, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और इसके जो पीडीएफ हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हो, यूपीपीएससी स्टडी सर्किल मेरा जो ग्रुप है उसका लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लिंक उठा सकते हो और आप डायरेक्ट जाइए ग्रुप को ज्वाइन करिए। डेली करंट अफेयर्स के भी पॉइंट्स मैं डेली वाइज बेसिस पे अपलोड करता हूँ पर डे का, और ये स्टडी मटेरियल आपको तमाम सारा मिलेगा ग्रुप पे, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो कुछ भी अगर आपको डाउट आता है इस वीडियो को देखने के बाद, पढ़ने के बाद, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल गेट सर्किल। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ऋग्वेदिक और लेटर ऋग्वेदिक का जो लिटरेचर था, साहित्य, ठीक है, वो सब डिस्कस करेंगे। श्रुति क्या थी, है ना, ब्राह्मण्स क्या थे, उपनिषद क्या थे, और ये सारे जो ऋग्वेद थे उनके जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, वो सारा अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय।